अभी अभी उठाऊं, चाय पीऊंगा, नहाऊंगा, अपने माँ बाप की गालियां खाऊंगा और रात को फ्री का खाना खाके अपने माँ बाप के टुकड़ों पे पल के सो जाऊंगा। इमोशनल ब्लैकमेलर बोलो या मम्मी, बात तो एक ही है। कुत्ता बेटा बोलो या बेस्ट फ्रेंड, बात तो एक ही है। दुश्मन बोलो या रिश्तेदार, बात तो एक ही है। एक्स बोलो या सांप, बात तो एक ही है। दिल्ली, दिल्ली, मॉम, मम्मी, बिस्किट, बिस्कुट, ग्लास, गिलास, बेस्ट फ्रेंड, बेटे। दुनिया में ना दो तरह के रिश्तेदार होते हैं, पहला बुरे रिश्तेदार, दूसरा मायूब महा बुरे रिश्तेदार। इनका जिंदगी में सिर्फ एक ही मकसद है, आपकी जिंदगी में जहर मिलाना। एक ऐसा रिश्तेदार होगा जो पूरे खानदान में कांड कर रहा होगा, फिर भी सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट उसी को मिल रही होगी। इनके सिर्फ जिंदगी के दो रोने हैं, पहला हमें तो कोई कॉल ही नहीं करता, दूसरा साढ़े तक घर आके कोई खुशी नहीं है। इनको सिर्फ अपने बच्चे धुंधले लगते, बाकी सब पर इनका फोकस रहता है। और हमारे मम्मी पापा भी कोई कम नहीं है, इनको जितना मना करो ना कि इससे बात मत करो, इससे बात मत करो, अगले दिन उसी के घर पहुंचे होंगे। इनके खुद के घर में मायो भी आग लगी होगी, मगर इनको पहले ये जानना है कि अरे इसकी बेटी के ससुराल में सब कुछ ठीक है कि नहीं है। इनको किसी फंक्शन पे बुला लो, दूसरे लोग सगन का लिफाफा लेके आते हैं, ये लटका हुआ मुंह लेके आते हैं, और जो कहते हैं ना कि पापा की साइड अच्छी है, अरे नहीं नहीं मम्मी की साइड अच्छी है, बेड़ा गर्क दोनों ही साइड है। और हाँ एक चीज जरूर याद रखना, आप भी किसी के रिश्तेदार हो।